खारिज हुए और मैं समझता हूँ अभी तो आज मुझे वो नौजवान फोन कर रहे थे टेलीफोन कि जनाब अगर कुछ नहीं हो सकता तो हम जितने भी हैं बलोच पश्तून बस अपनी सर्टिफिकेट्स लेके अपने सूबों को वापस चले जाएं, हमारी इधर जिंदगी को भी खतरा है और ये दहशतगर्दी के 180 लोगों पे FIR कर चुके हैं। मेरा गुजारिश है राजा साहब तशरीफ रखते हैं आपसे कि इनका इशू मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए, वहां पे वाइस चांसलर को भी वो जो दूसरा तंजीम है वो मानथानी, इंतजामिया को भी मानथानी, तो वो बिल्कुल जोरावर है। तो उस जोरावरी में मैं कल खुद सिराजुल्लाह साहब के पास गया हूँ, मैंने कहा सिराजुल्लाह साहब अल्लाह का वास्ता उधर तो एजुकेशन है नहीं, हमारे लोग भागते हुए बेचारे अपने बच्चे लाहौर भेजते हैं, इधर आप लोग उनका ठांगे तोड़ते हो, और वक्त वो अस्पताल में पड़े होते हैं और खासकर उस वक्त जब इनका इम्तिहान हो रहा होता है उनको मार के हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो सर आज मैं कल उनको भी गुजारिश कर चुका हूँ इस तरह बिल्कुल सीरियस मसला है, इसको राजा साहब से गुजारिश है, ऐवान की सूरत में सर आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसको देखा जाए। दूसरा एक मिनट और लूंगा सर, कैबिनेट ने सर असला लाइसेंस ऑटोमेटिक गन्स का कैंसिल कर लिया।